अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्ज़ी। तो हमने सोचा ये हमारे स्टाइल में है, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी हम शेयर करते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ 400 ग्राम करेला लिया, इस तरह का करेला ले लिया था, और इसको हमने ये पीसेस में काट लिया, और ये उसके ऊपर का छिलका है, और इसको हमें इस तरह सिर्फ खुरचना है। इसको नाइफ से खुरच देंगे। अब इसमें हम नमक डालकर इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे। ये देखिए, हमने भर भर के 3 टीस्पून हमने नमक डाल दिया। अब इसमें ये जो छिलका निकला है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी इसी में डाल करके मिला करके और आधे घंटे के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद में सब्जी और इसके आगे का प्रोसेस आप लोगों से बताएंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए चाहे चम्मच। अब इसमें हमने नमक अच्छी तरह से मिला दिया। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। अब आधे घंटे बाद हमने करेले को खूब अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और इसमें हमने ये 200 ग्राम प्याज है इसको काट लिया, 100 ग्राम शक्कर है, शक्कर की जगह पर आप गुड़ भी ले सकते हैं, ये हल्दी है 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून धनिया है, और 1 टीस्पून कलौंजी है, और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, और ये खटाई है, अमचूर पाउडर है, इसके जगह पे आप खटाई भी डाल सकते हैं, ये भी 1 टेबल स्पून है। अब क्या करते हैं, देखिए ये कुकर में ये हम सब डाल देंगे। इसको पहले डालेंगे करेले को, प्याज डाल दिया इसमें, सब एक साथ इसमें डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, शक्कर, और ये तेल 100 ml तेल है, मस्टर्ड ऑयल है ये, इसको डाल देंगे, और ये जितने मसाले हमने लिए थे इसको डाल देंगे। नमक इसमें हमने पहले डाला था, नमक ज़्यादा डाला हुआ है, धुला है, मगर इसका वो निकल गया है, नमक अभी हम नहीं डालेंगे, जब थोड़ा सा पक जाएगा तो टेस्ट करने के बाद ही हम नमक डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिला देंगे। ये तो सभी को पता है कि जो करेला बहुत ही फायदेमंद होता है, डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद है, ये करेले के बहुत से फायदे हैं। करेला जब हम खाते हैं तो इंसुलिन के सेक्रेशन को ये प्रमोट भी करता है। अब ये देखिए ऐसे हो गया। अब इसमें हम पानी भी डालेंगे, ये देखिए इतना पानी डाल रहे हैं इसमें हम। पानी इसमें 2 कप पानी था, मगर हमें कम लग रहा, थोड़ा सा और डालेंगे। दिखा दें आपको, ये हमारा बाउल है, इस बाउल से हमने 1 बाउल पानी डाला है, और ये देखिए पानी हमारा, देख लीजिए इसमें जो है इस तरह से रहना चाहिए पानी ये बराबर में। अब इसको बंद कर देंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और ये देखिए इसमें 10 सीटी आ चुकी है, और इसको हम देखने जा रहे हैं, बीच में खोल करके 4-5 सीटी के बाद देख लीजिए ये पानी कितना रह गया है। अब ये देखिए पानी भी इसका ख़त्म हो चुका है, और इसको आप बस थोड़ा से भून लेंगे, और ये गल भी गया है, ये खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा होता है। अब इसको हम थोड़ा से भून लेंगे, उसके बाद में गैस ऑफ करेंगे। अभी इसको हम थोड़ा से भूनेंगे। अब ये देखिए
इसमें इसका पानी ख़त्म हो चुका है और ये तेल थोड़ा साइड साइड आ गया, हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला, मगर ये देखिए तेल साइड में आ गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। अब ये देखिए करेले की सब्जी हमारी तैयार हो गई, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि करेले में फाइबर भी बहुत होता है, कोलेस्ट्रॉल और पेट की चर्बी को भी ये कम करता है, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है। इस मज़ेदार रेसिपी को अपने डाइट में ऐड कीजिए और इससे मज़ा और फ़ायदा उठाइए, और लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।